क्लास 10th बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड। बच्चों आपने अगर बेसिक्स लिया है या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है, भाई मैथमेटिक्स तो आपको बेसिक्स ही पढ़ना होगा। कैसा हो कि कोई आपसे नींद में कोई क्वेश्चन पूछता है मैथ्स का और आप उसका आंसर दे पाते हो। हेलो एवरीबॉडी, आप हैं मैथ्स इज इजी में और क्लास 10th का जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम बढ़ेंगे उसके आगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और हम उससे आगे बात करेंगे। बच्चों क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स या फिर y या फिर z की पावर होल नंबर हो, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंक्लूडिंग 0 कुछ भी पावर होनी चाहिए, बट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था। पॉलिनोमियल की डिग्री कौन डिसाइड करता है? उसमें x की पावर डिसाइड करती है। अगर x के ऊपर पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर x के ऊपर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जिन बच्चों को 9th क्लास का वो भी याद नहीं है तो बस वो इतना जान लें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स 2 पावर वाला एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है पॉलिनोमियल। अब अगर पॉलिनोमियल जिसे हम पी एक्स से डिनोट करते हैं उसके राइट हैंड साइड में हम जीरो ले लें, इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज इक्वेटेड टू जीरो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये था पॉलिनोमियल, हमने इज इक्वल टू जीरो लगा लिया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब से आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ए बी और सी कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं लेकिन ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो ये टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी और आपको सिर्फ बी एक्स प्लस सी मिलेगा, जैसे कि 2x प्लस 3 या 7x प्लस 4। तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि उसमें x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो ये बन जाएगा लीनियर। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त ये है बच्चों कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो सकता है, डेफिनेशन अभी पूरी नहीं हुई है। ए बी सी कोई भी रियल नंबर है वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्कवरी ऑफ पॉलिनोमियल बहुत दिलचस्प कहानी है जिसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ उसे जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस टॉपिक को हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं बच्चों, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हम। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट जस्ट अ टॉपिक, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टूल ऑफ मैथमेटिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अराइजेज इन सेवरल फील्ड्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मैथमेटिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा फ्लैशबैक में। बच्चों आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान बन गई है क्योंकि आपको रेडीमेड चीज़ें पढ़नी है, लेकिन जो पहले के मैथमेटिशियंस थे उनमें जो डिस्कवर करने का इन्वेंट करने का जुनून था, पढ़ाई पहले जुनून के तौर पे ली जाती थी। तो एक्चुअली स्टार्टिंग हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इजिप्ट में। तो एक्चुअली जो इजिप्टियन मैथमेटिशियंस थे उन्होंने घर बनाते बनाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। एग्जांपल के तौर पे देख लेते, मान लो कि ये रेक्टेंगुलर एक हॉल बनाना, उनके पास 200 मीटर स्क्वायर की लैंड है, तो उन्होंने उनको लेंथ कितनी लेनी चाहिए और ब्रेथ कितनी लेनी चाहिए, इसको इसका पता लगाते लगाते उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोज डाला था। अब मान लो कि शर्त ये दी हुई है कि लेंथ आपको ब्रेथ से के डबल से दो ज़्यादा लेनी है, यानी लेंथ और ब्रेथ ऐसी लेनी है कि ब्रेथ x अगर x है तो लेंथ उसके डबल से 2 यूनिट्स ज़्यादा होगी, 2x प्लस 2 होगी, ठीक है? तो लेंथ है 2x प्लस 2 और ब्रेथ क्या है, x है। अब ये है एक रेक्टेंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, और एरिया दिया कितना हुआ है, 200 दिया है। तो अगर हम x अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2x, और 2x स्क्वायर प्लस 2x
200 को उधर ले जाइए, माइनस 200 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। टू से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम था मेंसुरेशन का और हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस पहले के जो एंशियंट मैथमेटिक्स था वहाँ पे लोग किसी घर बनाते बनाते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोज लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैथ्स को अप्लाई कैसे करते हैं। मैथ्स हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को इजी बनाता है, सिर्फ ये एक टॉपिक नहीं है जिसे हम पढ़ लें। तो समझ में आया कुछ बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम से बना है, यानी सिर्फ ये एक टॉपिक नहीं है जिसे हम पढ़ लें। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमें क्या समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c कुछ भी हो सकते हैं, a जीरो नहीं होना चाहिए। ये आया कहां से? ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि ये एक एप्लीकेशन है, एक मैथमेटिक्स का टूल है जो हमारी लाइफ को आसान बनाएगा। आगे हम बहुत ज्यादा अच्छे यूजफुल इन एप्लीकेशंस उसके सीखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसका बेसिक स्ट्रांग करना होगा। तो इस एग्जांपल के बाद अब हम आते हैं इसके ग्राफ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने समझ लिया, अब इसका सलूशन क्या चीज है? लीनियर इक्वेशन में याद है 2x प्लस 3, मान लीजिए हम आपको एक लीनियर इक्वेशन देते हैं 2x प्लस 3 और बोले इसे सॉल्व करो। तो कई बार बच्चों को ये समझ में आता है कि वो कह रहा है कि सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो मतलब क्या? सॉल्व करो मतलब x की वैल्यू निकालिए, यानी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट ओवर द इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी उसमें, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू ही उसका सॉल्यूशन है, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन का हमने सोल्यूशन समझ लिया था। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मतलब एक लाइन, जैसे आप एक बॉल लो और बॉल को ऐसे लुढ़काइए, या कोई सड़क पे चल रहा है, ठीक है, या साइकिल रोड पे जा रही है, ये सारे लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल हैं। लेकिन अगर आप किसी बॉल को लो और आप फेंको, तो बॉल क्या करती है कि पहले जहाँ से वो स्टार्ट हुई है वहाँ से जाती है, मूव करती है हवा में, और एक पीक वैल्यू तक जाने के बाद वापस आती है, ज़मीन पे गिर जाती है। तो वो जो पाथ है, जो एक कर्व टाइप का बना, वो कहलाता है पैराबोला। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक, ठीक। तो ये मैंने पैराबोला बना के रखा है, पैराबोला ये भी है, पैराबोला ये भी है। पैराबोला एक्चुअली इस तरह के कर्व को कहा जाता है, ये पैराबोला होता है। हायर मैथमेटिक्स में आप पैराबोला के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन हम तो बात कर रहे थे सोल्यूशन की, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम अगर पहले ज्योमेट्रिकली समझ लें तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप उसका ग्राफ बनाते हो, उसका ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्शन किया है, यानी उस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार काटा है, जिस जिस पॉइंट पे काटा है वही है उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली सिचुएशन ये है कि ग्राफ जो है दो पॉइंट पे काटे, पैराबोला अगर हम ऐसा बनाएं और ये दो एक्सेसेस को दो पॉइंट पे काट रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो हम कह सकते हैं बिना सोल्यूशन निकाले, हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका ये ग्राफ है, इट हैज़ टू सोल्यूशंस, इसके दो सोल्यूशन हैं। इस सिचुएशन में अगर हम पैराबोला को उल्टा बनाएं, डाउनवर्ड पैराबोला हो, नो मैटर, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक्सेस को ये भी दो बार काट रहा है, तो इसके भी कितने सोल्यूशन होंगे? दो सोल्यूशन होंगे। लेकिन इस पैराबोला पे ध्यान दीजिए, ये पैराबोला एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सोल्यूशन होंगे या तो एक होंगे या दोनों के दोनों सोल्यूशन कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसे मैथमेटिकली कहेंगे दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिफरेंट सोल्यूशन एंड वन सोल्यूशन, इसका मतलब दो सोल्यूशन आपस में इक्वल। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पैराबोला x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर
सोल्यूशन को काटना डिसाइड करने वाला है, अगर सोल्यूशन होगा कि नहीं ये इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस डिसाइड करने वाला है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका सोल्यूशन ही नहीं है। यस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो डिफरेंट सोल्यूशन रख सकता है, दो इक्वल सोल्यूशन रख सकता है, या फिर नो सोल्यूशन रख सकता है। बस यही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद टू डिफरेंट सोल्यूशंस, दो पॉइंट पे काटे एक्सेसिस को, दो डिफरेंट पॉइंट पे काटे तो दो सोल्यूशन, एक ही पॉइंट पे काटे तो दो सोल्यूशन लेकिन दोनों आपस में इक्वल, और अगर एक भी बार एक्सेसिस को नहीं काट रहा है इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो सोल्यूशन। अभी मैंने आपको सिर्फ सोल्यूशन बताया है, लेकिन पॉलिनोमियल से अगर हम इक्वेट करें, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि इस ये पॉलिनोमियल है, हम आपसे बोले कि इसमें इसका ज़ीरो निकालिए, तो आप क्या करते थे पॉलिनोमियल में, वो एक्स की वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे वही इसका ज़ीरो है। तो जो नाम हमने पॉलिनोमियल में ज़ीरो दिया था, अब उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, रूट्स। एक्स की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिलती है, या एक्स की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़ीरो कर दे वही उसका सोल्यूशन है, और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ लिया है। चलिए आते हैं आगे कि सोल्यूशन हमें इस चैप्टर में निकालना कैसे है, यानी मैथड्स। अब सोल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के बाद अब हम आते हैं मैथमेटिकल रूल पे, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना क्लियर है, और क्या क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम देख सकते हैं, जैसे कि टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए कौन है, ए इज इक्वल्स टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री एंड सी इज इक्वल टू फोर। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, अब हर बार तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे सोल्यूशन निकालने के लिए, हम उसका ग्राफ बना के नहीं पता करेंगे, ये एक मेथड थी आपको समझाने के लिए नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है क्वेश्चंस में, बहुत ध्यान से देखिएगा, नेचर ऑफ रूट्स। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर हमने अभी समझ लिया कि वो दो रूट भी रख सकता है, एक रूट भी रख सकता है, या कोई भी रूट नहीं भी रख सकता है। तो अब हम मैथमेटिकली कैसे रूट्स निकालना आपको हम ये समझेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी तो आप लिख सकते हो, ये तो क्लियर है। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी कौन होता है एक्स का कोफिशियंट, यानी एक्स के जो एक्स स्क्वायर की जो बगल में है वो ए है, एक्स के जो बगल में है वो बी है, और जो कांस्टेंट है वो सी है। क्लियर, अब आपको क्या करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन में ही ए बी और सी लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में ए बी और सी क्या है। उसके बाद आप निकालिए डी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी सी तो आपको मालूम ही चल गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए बी सी आपके पास है, आप एक फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, क्या है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यानी हम आपको वो मेथड बता रहे हैं बच्चों कि बिना ग्राफ खींचे आपको पता चल जाए कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स डिफरेंट होंगे कि एक होगा कि एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालिए, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्लियर, अब डिस्क्रिमिनेंट कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है ना, ट्राइकोटोमी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी दुनिया का नंबर होगा या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा। तो पहला केस कहता है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट निकला है, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा है, यानी कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप क्या लिखोगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी रूट्स कैसे होंगे, दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से अलग, दो, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव हो गया तो
तो रूट्स एक दूसरे से अलग होंगे और रियल होंगे, जैसे कि एक टू हो गया, दूसरा थ्री हो गया, वन हो गया, जीरो हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, मतलब आपस में अलग अलग होंगे, इसे कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, पहला केस समझ में आ गया। अब दूसरा केस, भाई जरूरी थोड़ी है डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव हो सकता है वो इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो अगर वो इज इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि दो रूट्स तो होंगे लेकिन आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल एंड रियल रूट, दो आपस में रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। फिर से लिखिए केस टू, डी अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर इज इक्वल टू जीरो हो गया देन वी हैव टू राइट टू रियल एंड इक्वल रूट्स, कब, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो। अब आते हैं थर्ड केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी नेगेटिव हो गया, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस हंड्रेड, कुछ भी हो, अगर नेगेटिव हो गया तो आपको क्या लिखना है, देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट, यानी कि देयर इज नो रियल रूट। हमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि रूट ही नहीं होंगे, क्योंकि रियल रूट्स नहीं होंगे, लेकिन बाद में आपको हायर मैथमेटिक्स में एक बात पता चलेगी कि रूट जो होते हैं रियल नहीं है, तो इमेजिनेशन में भी रूट्स होते हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन अभी आप 10th स्टैंडर्ड में वो सब नहीं पढ़ोगे, आपको सिर्फ क्या लिखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया देन यू हैव टू राइट देर इज नो रियल रूट, यानी वो जो पैरा बोला है वो एक्सेसेस को काट ही नहीं रहा होगा, थर्ड कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? थर्ड केस, व्हेन पैराबोला यानी कि जो कर्व है वो एक्सेसेस को काटता ही नहीं होगा, देर इज नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। तो ये देखिए, ये नेचर ऑफ रूट है, हर क्वेश्चन में आपको पहले इतना करना पड़ेगा, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, और ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। समझ में आ गया? आई थिंक मैंने धीरे धीरे समझाया था। चलिए अब बात करते हैं कि हम क्या सिर्फ ये पता लगाएंगे पूरे चैप्टर में कि इसके रूट्स कैसे हैं, कि निकालेंगे भी? तो यस बच्चों, हम पहले पता लगाएंगे कि रूट कैसा है और उसके बाद रूट्स निकालेंगे भी। रूट निकालने की हमारे पास मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं, आपको टेंथ स्टैंडर्ड में आपको तीन मेथड पढ़नी है, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, पहली मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाने वाली मेथड, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, पहली मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मेथड थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए। फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड श्रीधराचार फॉर्मूला, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वीडियो में आपको दिया था। तो ये है तीन मेथड जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।